Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ. आज हम वीडियो देखने वाले हैं महाराष्ट्र. Oh my God, पाकिस्तान और महाराष्ट्र की कंपैरिजन हम देखने वाले हैं. इसकी मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई है और मैं फाइनली वीडियो करने वाली हूँ. पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बातें करेंगे. वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा. एक बार फिर पब्लिक डिमांड पर वीडियो लाई हूँ. इस बार के टॉपिक की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि हमें दूसरे टॉपिक्स को स्किप करके इसको बनाना ही पड़ा. वेल, वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दे कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब करें. मुझे कमेंट्स आ रहे थे तो काफी लोग आप लोग भी करते हैं कमेंट. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 305 बिलियन डॉलर्स है. वहीं महाराष्ट्र की नॉमिनल जीडीपी 390 बिलियन डॉलर्स है. बता दें कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 5.7% है. वहीं महाराष्ट्र की 12% जीडीपी ग्रोथ रेट है. नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो पाकिस्तान की 1,561 US डॉलर्स है. वहीं महाराष्ट्र की 2,500 US डॉलर्स है. दोस्तों, पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 210 मिलियंस है. वहीं महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 114.2 मिलियंस है. दोस्तों, अब एरिया की बात करते हैं. पाकिस्तान का एरिया 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है. वहीं महाराष्ट्र का एरिया 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर है. दोस्तों, रिलीजन की बात करते हैं. पाकिस्तान में 97% मुस्लिम्स, 1.8% क्रिश्चियंस और 1.2% सिख, हिंदू और दूसरे माइनॉरिटीज शामिल हैं. वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 79.8% हिंदू, 11.5% मुस्लिम्स, 5.8% बुद्धिस्ट, 1.2% जैन, 1% क्रिश्चियंस, 0.2% सिख और दूसरे माइनॉरिटी शामिल है. अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो पाकिस्तान में 48% पंजाबी, 12% सिंधी, 10% सराइकी, 8% पाश्तो, 8% उर्दू, 3% बलूची, 2% पंजाबी मुझे लगता है 48 से ज्यादा है. 9% दूसरी जबानें बोली जाती है. वहीं महाराष्ट्र में 68.93% मराठी, 12.89% हिंदी, 6.71% उर्दू, 2.11% गुजराती, 1.18% तेलुगु और 8.18% दूसरी लैंग्वेज मराठी बोली जाती है. टीच करो प्लीज. दोस्तों, लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की बात करें तो पाकिस्तान में 58% है. वहीं महाराष्ट्र में लिटरेसी रेट 83.2% है. एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. कुछ फेमस सिटीज की बात करते हैं. पाकिस्तान के टॉप 10 सिटीज में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, क्वेटा, गुजरनवाला और हैदराबाद शामिल है. वहीं महाराष्ट्र के टॉप 10 सिटीज में मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, वसाई विरार, सोलापुर, अमरावती, कोल्हापुर और थाने शामिल थाने है. कितना. चलिए दोस्तों, अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं. पाकिस्तान में आपको सीख कबाब, हलवा पूरी, मटन और चिकन बिरयानी, लस्सी, रायता, चिकन कढ़ाई, आलू गोश्त, साई भाजी, निहारी, साई भाजी का नाम मैंने कभी सुना है, कड़ी या ओ माय गॉड, बीफ कोफ्ता, कीमा, चिकन कोरमा, पाया, बटर चिकन, सेवैया और कश्मीरी चाय पीने को मिल सकती है. कश्मीरी चाय बहुत ही यम्मी है. कितनी प्यारी लगती है. पाव भाजी, वड़ा पाव, पुरन पोली, मिसाल पाव, मिसाल पाव के बारे में आप लोगों ने मुझे बहुत बताया, रगड़ा पीटस, श्रीखंड, पोहा, साबूदाना खिचड़ी, रसा, सोल कड़ी, पिठला भकरी, महाराष्ट्रियन दाल आमती, भेल पूरी, बसुंदी, आम रस, कड़ी, चिकन कोल्हापुरी और आलू वड़ी खाने को मिल सकती है. दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी किसी भी देश या स्टेट के लोगों का डेवलपमेंट यानी विकास नापने का एक इंडेक्स होता है, जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन
और पर कैपिटा जीडीपी के जरिए नापते हैं। तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो पाकिस्तान का 0.562 लेवल है, वही महाराष्ट्र का 0.683 लेवल है। बता दें कि भारत में सबसे कम इंडेक्स बिहार का 0.561 है, जो कि पाकिस्तान के बराबर है। दोस्तों, फर्टिलिटी रेट यानी एक औरत औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है उसके बारे में बताए तो पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट 2.68 चिल्ड्रन पर वुमेन है, वही महाराष्ट्र में 1.79 चिल्ड्रन पर वुमेन है। दोस्तों, अब थोड़ी गरीबी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 29.5% है, यानी 29.5% पाकिस्तानी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। वहीं महाराष्ट्र में पॉवर्टी रेट 17.35% है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो पाकिस्तान में औसतन एक व्यक्ति 67.7 साल जीता है, वहीं महाराष्ट्र में 67.2 साल जीता है। फेस्टिवल्स की बात करें तो पाकिस्तान में ईद उल फितर, ईद उल अधा, शबे बारात, ईद मिलादुन नबी शानदार तरीके से मनाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, नारली पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, गुड़ी पड़वा और पोला धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों की जिनकी जड़ें इन दोनों जगहों से जुड़ी है। इनमें से पाकिस्तान से सिंगर्स में नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, अबीदा परवीन, गुलाम अली, शफकत अमानत अली और मेहदी हसन शामिल है। वहीं महाराष्ट्र से सिंगर्स में लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुरेश वडकर, शालमली खोलगडे, वैशाली समंत और अजय अतुल शामिल है। पाकिस्तान से पॉलिटिक्स में इमरान खान, नवाज शरीफ, पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान की पहली विमेन प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, लियाकत अली खान, परवेज मुशर्रफ, मोहम्मद जियाल हक शामिल है। वही महाराष्ट्र से पॉलिटिक्स में बाबा साहेब अम्बेडकर, वीर सावरकर, बाला साहेब ठाकरे, बाल गंगाधर तिलक, शरद पवार, विलासराव देशमुख, नितिन गडकरी और शिवराज पाटिल शामिल है। पाकिस्तान से स्पोर्ट्स में जहांगीर खान, सुहेल अब्बास, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस, अब्दुल खालिक, समीउल्ला खान, शाहिद अफरीदी, जनशेर खान शामिल है। वही महाराष्ट्र से स्पोर्ट्स में धनराज पिल्ले, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, खाशबा दादा साहेब जाधव और जहीर खान शामिल है। फिल्मी दुनिया से जुड़े कुछ एक्टर्स में पाकिस्तान से फवाद खान, महिरा खान, अली जफर, सबा कमर, इमरान अब्बास, हुमायूं सईद, जावेद शेख, हमजा अब्बासी शामिल है। वहीं महाराष्ट्र से नाना पाटेकर, रितेश देशमुख, माधुरी दीक्षित, ममता कुलकर्णी, नूतन, मीना कुमारी, राधिका आप्टे, श्रद्धा कपूर, सोनाली बेंद्रे, उर्मिला मातोंडकर, गोविंदा शामिल है। दोस्तों, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड का 2017 में ग्रॉस बॉक्स ऑफिस 280 करोड़ भारतीय रुपए हुआ था। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित बॉलीवुड इंडस्ट्री का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस 17,500 करोड़ रुपए हुआ था। चलिए दोस्तों, अब आपको इन दोनों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा कैनल इरिगेशन सिस्टम है। पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ एक अकेला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेली गई बॉल
पाकिस्तान की सियालकोट में बनी थी। हाँ, मुझे नहीं पता। बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाथों से बनी हुई फुटबॉल पाकिस्तान में ही बनती है। अमेजिंग। ओह, दुनिया में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज जीतने वाली मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से ही है। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस नेटवर्क पाकिस्तान में ही है। इसे इजी फाउंडेशन चलाती है। बता दे कि अब्दुल सत्तार इधी इस फाउंडेशन को चलाते हैं। इस एम्बुलेंस नेटवर्क को प्रसिद्ध गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। 1956 तक क्वीन एलिजाबेथ सेकंड पाकिस्तान की क्वीन ऑफ पाकिस्तान कहलाती थी। शुगर कैन जूस पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक है। मुझे नहीं पता था नेशनल है, बट ये है। महाराष्ट्र की मुंबई की लोकल ट्रेन में डेली 6.5 मिलियन पीपल ट्रैवल करते हैं, जो कि इजराइल की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। भारत में नेवी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले शिवाजी महाराज ने ही दिया था। उनके एडमिरल कन्होजी आंगरी को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। नवी मुंबई दुनिया की सबसे बड़ी प्लान सिटी है, जिसको मुंबई की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बनाया गया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में स्थित लोनार लेक सेलाइन और एल्कलाइन दोनों नेचर की लेक है। साइंटिस्ट का कहना है कि यह लेक 52,000 ईयर्स पहले एक मीटियोर के टकराने के बाद बनी थी। अगर महाराष्ट्र एक कंट्री होता तो महाराष्ट्र की जीडीपी दुनिया की 30वीं यानी 30th सबसे बड़ी इकोनॉमी होती, जो यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, इजराइल, मलेशिया, कतर जैसे देशों से भी आगे है। चलिए दोस्तों, अब कुछ घूमने फिरने की बात करते हैं। पाकिस्तान में आप लाहौर फोर्ट, बादशाही मॉस्क, शीश महल, फैसल मॉस्क, मोहनजोदारो, रोहतास फोर्ट, पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, मीनारे पाकिस्तान, दामने को, मोहट्टा पैलेस म्यूजियम, मरगला हिल्स, रावल लेक, हिरन मीनार, बहरिया टाउन, लेक व्यू पार्क, इकबाल पार्क, पट्रियटा, लोक विरसा म्यूजियम जा सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में आप अजंता एंड एलोरा केव्स, लोनावला, महाबलेश्वर, पंचगनी, शिरडी, गेटवे ऑफ इंडिया, सिंहगढ़, बीबी का मकबरा, कन्हेरी केव्स, एडलिब्स इमेजिका, एसएल वर्ल्ड, शनिवार वड़ा, सिद्धिविनायक टेंपल, हजी अली दरगाह, आगा खान पैलेस, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, त्रिम्बकेश्वर शिवा टेंपल, हैंगिंग गार्डन्स, करला केव्स जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या अच्छा लगा? हे गाइस, ये थी वीडियो। कैसी लगी आपको? मुझे बहुत पसंद आई। कुछ चीज़ें थी जो मुझे ऑलरेडी जो पिछली मैंने वीडियो देखी थी मुंबई की, उसके बारे में पता था, बट ज़्यादा नहीं। इसमें बहुत ही डिटेल्ड और काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा भी थी डाली गई और मुझे बहुत पसंद आई। काफ़ी वेल मेड वीडियो थी। प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को बहुत अच्छी है। और मुझे काफ़ी अजीब लगा कि लाइक वो पूरा कंट्री का देख लो और वो एक स्टेट है और फिर भी वो बेटर सिचुएशन। आई होप कि पाकिस्तान की सिचुएशन बेटर हो जाए। अब इमरान खान आए हैं तो लोगों की काफ़ी होप्स हाई है और यू नो चीज़ें बेटर हो जाए, स्पेशली एजुकेशन वाला पार्ट, क्योंकि मुझे लगता है एजुकेशन सबसे मस्ट है। जब तक तुम एजुकेट नहीं करोगे अपनी पॉपुलेशन को, अपनी नेशन को, कुछ भी बेटरमेंट नहीं होगी। वो जाहलों वाली सोच रहेगी और यू नो आगे नहीं बढ़ सकते आप। और इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, कोई जेंडर का स्पेसिफिक प्रिविलेज नहीं मिलने चाहिए। लड़का लड़की दोनों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। ऊपर से मलाला यूसुफजई को जो मेंशन किया था, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि उसका भी जो स्टोरी है वो भी एजुकेशन के ही वजह से काफ़ी सैड इंसिडेंट हुआ था। बट एनीवे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है। दो चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल खुद नहीं पता थी। एक वो जो शुगर केन का जूस होता है वो मुझे बहुत पसंद है, बट वो नेशनल ड्रिंक है मुझे नहीं पता था। और जो फुटबॉल वाली भी चीज़ है वो भी नहीं पता थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। गाइस, आप लोग बताओ, आप भी महाराष्ट्र की स्टेट में रहते हो, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, आपको
क्या चीज़ है जो महाराष्ट्र में रहने के लिए पसंद है और क्या चीज़ है जो आप चेंज करना चाहते हो, या फिर आपको लगता है ऐसे ही ठीक है। गाइस जो फूड की चीज़ें थी इतनी वो असम दिख रही थी, मैंने कभी टेस्ट नहीं की, स्पेशली पोहा। पोहा के बारे में मैंने इतना सुना है क्योंकि मैं बिग बॉस देखती थी, उसमें हर कोई पोहा 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 पोहा, और मुझे लगता था ओह माय गॉड क्या है। फिर मैं गूगल किया था और शायद राइस होते हैं और मैश राइस कुछ ऐसा, और ऑनेस्टली जिस तरह वो लिखा हुआ था बहुत ही यम्मी टाइप की फूड लग रही थी, और मैं बाकी वो टेस्ट करना चाहती हूँ। अगर कभी मैं इंडियन रेस्टोरेंट में मिली मैं ऑफकोर्स ट्राई करूँगी। बाकी आप लोगों ने मेरे को मिस पाओ नो मिस नहीं मिसल पाओ समथिंग लाइक दैट, वो आपने लोगों ने मेरे को बहुत बोला हुआ है कि वो आपका फेवरेट है और मुझे ट्राई करना चाहिए। पाव भाजी तो है हमें ऑलरेडी पता है, और भी काफ़ी सारे थे, वो मैंगो का कुछ मिक्सचर था पुडिंग टाइप की, यम गाइज आप लोग कितने लकी हो, और वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता। सबसे जगह जो मैंने पाकिस्तान में भी नहीं देखी मैं वहाँ पे भी देखना चाहूँगी। आप लोग बताओ आप महाराष्ट्र में होने की बावजूद आप लोगों ने वहाँ पे कुछ है जो नहीं देखा हुआ जो आप देखना चाहते हो। गाइस मुझे ऐसी वीडियोस बहुत पसंद है, उसमें वर्सेस कुछ नहीं होता है, कंपैरिजन बस हो रहा होता है, इसको लाइटली लेना चाहिए, इतना चाइल्डिश नहीं होना चाहिए। आई मीन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ये वीडियो बनाई जाती है और इसे वैसे ही लेना चाहिए। आई एम ग्लैड कि ज़्यादातर लोग इसे वैसे ही लेते हैं। गाइस मुझे मेरे बाल लंबे हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही इनके साथ करना क्या है। गाइस ये वीडियो देखने के बाद मेरा आप खाने का कुछ दिल कर रहा है, बट ऑब्वियसली मुझे इक्विवेलेंट फूड तो मिलेगा नहीं, तो मुझे कुछ यू नो इन्वेंट करना पड़ेगा, सेम चीज़ तो मिलेगी नहीं, पास्ता ही होगा, उसको ही थोड़ा सा इधर उधर करके खा लेंगे। चलो गाइस ये थी मेरी वीडियो, आपको लोगों को पसंद आई, अगर आपको पसंद है प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, खुश रहो।